Well, good morning friends. We are going to start the new chapter of the mathematics, that is ratio. Before we starting the ratio, we start our lecture with a very good quote. The quote is, we fail more by being timid than by taking a risk. Hindi mein se kahenge ki hum log jyada fail hote hain darpok ke karan, darpok banne ke karan, taking than by taking risks. Matlab hum log risks nahi lete hain और नहीं रिस्क लेना यही हमारे फेल का फेल होने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रेशियो, और रेशियो के विभिन्न मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो का डेफिनेशन। तो रेशियो को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो इज अ रिलेशन। फर्स्ट वर्ड इज रिलेशन। रिलेशन मतलब एक संबंध है। रेशियो क्या है? एक संबंध है विच वन क्वांटिटी बियर टू अनदर ऑफ द सेम काइंड एंड कंपेरिजन बींग मेड बाई कंसिडरिंग विथ मल्टीपल्स पार्ट्स और पार्ट्स वन क्वांटिटी ऑफ द अदर। कहने का मतलब एक तरह का रिलेशन है दो क्वांटिटी के बीच में, जो कि कंपेयर करते हैं कि एक पार्ट एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी का कितना पार्ट्स है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे रेशियो। रेशियो अगर कोई दो क्वांटिटी ए और बी है तो उसे हम ए इज टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशियो को इस तरह से लिखा जाता है, द क्वांटिटी ए एंड बी, जो क्वांटिटी ए है और बी है इसे हम टर्म्स ऑफ द रेशियो कहते हैं। जो फर्स्ट टर्म है ऊपर का मतलब ए, ए को एंटीसीडेंट कहेंगे, एंड द सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंटेड। मतलब रेशियो इज ए ओवर बी, ए इज एंटीसीडेंट, ए इज एंटीसीडेंट एंड बी इज कॉन्सिक्वेंट। ध्यान दीजिए कॉन्सिक्वेंट। और फ्रैक्शन को भी हम ए और बी के रूप में लिखते हैं, वेयर ए इज न्यूमिनेटर और बी इज डिनोमिनेटर। बेसिकली दोनों एक एम्बिट में दोनों सेम चीज है, फ्रैक्शन और रेशियो। तो हम इंटरचेंजली बात कर सकते हैं फ्रैक्शन और रेशियो के बारे में, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव इन सेकेंड स्लाइड टू फाइंड व्हाट मल्टीपल और पार्ट ऑफ ए इज ऑफ बी, वी डिवाइड ए बाई बी। कहने का मतलब है कि अगर कोई दो क्वांटिटी ए है और बी है तो अगर हम इसमें ये कहें कि ए बी का कितना पार्ट है तो ए को हम बी से डिवाइड करते। जैसे अगर हम कहें कि ए इज इक्वल टू बी, ए 20 हो और बी 5 है तो ये कितना हो गया 4, तो दोनों के बीच का रेशियो कितना हो गया 4, राइट। तो जब भी हम यहाँ पे ये करेंगे कि जो हम पार्ट के बारे में डिवाइड पार्ट के बारे में फाइंड करेंगे या फिर रेशियो के बारे में फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ये ध्यान देने बात है कि जो यूनिट होगा ए और बी, एज जो यूनिट होगा ए और बी, वो दोनों क्वांटिटी ए और बी के यूनिट का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हम पहले अगर पहले स्लाइड में देखें यहाँ पे, तो पहले स्लाइड में यहाँ पे डेफिनेशन में क्लियर लिखा हुआ है ऑफ द सेम काइंड, वन क्वांटिटी बियर टू अनदर ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड कहने का मतलब कि जो रेशियो दोनों क्वांटिटी होगा उसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर इस तरफ से हम देखें तो अगर मुझे रेशियो निकालना है कि 1 किलोमीटर इज टू 200 मीटर, तो इसका रेशियो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे यूनिट क्या है, किलोमीटर, यहाँ पे यूनिट क्या है मीटर। तो हमें या तो दोनों क्वांटिटी का यूनिट किलोमीटर में चेंज करना होगा या फिर दोनों क्वांटिटी का यूनिट मीटर में चेंज करना होगा। तो इट इज ईजियर टू चेंज किलोमीटर इंटू मीटर एज 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर इज टू मीटर इज टू 200 मीटर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए और बी के फॉर्म में, 1000 मीटर डिवाइड बाई 200 मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो दोनों के बीच में क्या आ गया, रेशियो दोनों के बीच में 5 आ गया। मतलब 1 किलोमीटर इज द 5 टाइम्स ऑफ 200 मीटर। तो ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, राइट। तो जब भी हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो दोनों जो भी दो क्वांटिटी होगी वो दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है रेशियो में। अब लॉ ऑफ फ्रैक्शन का बात करते हैं। लॉ ऑफ फ्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ फ्रैक्शन ये कहता है कि अगर कोई रेशियो ए और बी है, ठीक है, तो और दूसरा रेशियो सी और डी है, तो अगर सी और डी इज इक्वल टू एम टाइम्स ए ओवर बी,
एम टाइम्स बी ए ओवर बी, मतलब डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया और न्यूमिनेटर को भी एम से मल्टीप्लाई किया, एम वेर इज एम इज एन एंटिटी। तो जो सी ओवर डी है ये रेशियो, ये पहले वाले रेशियो के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डेट इज एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, तो जो नया रेशियो आएगा वो रेशियो पहले वाले रेशियो के बराबर होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए कि 4/5 एक रेशियो है, ठीक है, तो ऊपर वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, चूंकि 2 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले को कर रहे हैं, और 2 से सेम नंबर से नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करना है एज पर द डेफिनेशन 2/5, तो ये रेशियो हो गया 8/10। तो जो रेशियो है 4:5 ये 8/10 के इक्विवेलेंट होगा। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 4/5 इज इक्विवेलेंट टू 8/10। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दो कॉमन लेकर काटेंगे तो ये हमारा पहले वाला ही नंबर रेशियो आ जाएगा 4/5। तो लॉ ऑफ फ्रैक्शन यही कहता है कि इफ अ नंबर, इफ अ रेशियो इज मल्टीप्लाइड बाय अ सर्टेन नंबर, मल्टीप्लीकेशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन बाय द सेम नंबर टू द एंटीसीडेंट एंड टू द कंसिक्वेंट, देन द न्यू रेशियो फॉर्म थस फॉर्म इज इक्वल टू द प्रीवियस रेशियो, राइट। अब हम बात करते हैं कंपेरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन। वी आर मूविंग वेरी फास्ट बिकॉज जो हमारा चैप्टर है वो बहुत लेंदी है और इसे हमें शॉर्ट टाइम के इंटरवल में इसे ख़त्म करना है, जो कि आप स्पीड फ्लो बना रहे हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर यहाँ पे कंपेरिजन ऑफ टू फ्रैक्शन करते हैं, तो कंपेरिजन जैसे ही करते हैं तो कंपेरिजन का मतलब है हाँ यहाँ पे जो भी क्वान्टिटी होगा वो सेम यूनिट में होगा, राइट। सेम यूनिट में होगा तभी हम कंपेरिजन कर सकते हैं, विदाउट अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि दो क्वांटिटी को कंपेरिजन करना, मान लीजिए कि एक रेशियो मेरा ए ओवर बी है और एक रेशियो अगर एक्स ओवर वाई है, राइट। तो इसे हमें कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन करने का मतलब कि रेशियो ए ओवर बी क्या एक्स ओवर वाई से बड़ा है या छोटा है या इक्वल है। तो इसे कंपेरिजन करने के लिए हमें सबसे पहले ये स्टेप देखना होगा कि जो डिनोमिनेटर है या जो कॉन्सिक्वेंट है, मतलब फर्स्ट रेशियो का कॉन्सिक्वेंट एंड सेकेंड रेशियो का कॉन्सिक्वेंट, ये दोनों को हमें कोई फैक्टर से मल्टीप्लीकेशन करके दोनों को इक्वल करना होगा। तो अगर हम ए ओवर बी को मल्टीप्लाई करें वाई से, राइट, चूंकि रेशियो को अल्टर नहीं करना है, तो चूंकि डिनोमिनेटर को वाई से मल्टीप्लाई किए तो न्यूमिनेटर को भी वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और वाई को मल्टीप्लाई करें हम यहाँ पे किससे, बी से, सेकेंड रेशियो में, तो ऊपर भी मुझे बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एज बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फ्रैक्शन, चूंकि हमने पहले डिस्कस किया। तो हमारे पास जो नया रेशियो बन गया ए वाई ओवर बी वाई, और यहाँ हमें हमारा बन गया दूसरा बी एक्स ओवर बी वाई। नाउ हियर वी सी डैट द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रेशियो इज सेम मीन्स बी वाई, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो ऊपर वाले नंबर को हम कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि कौन सा रेशियो बड़ा है। अगर ए वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एक्स होगा तो पहला वाला रेशियो बड़ा होगा, अगर बी ए वाई इज लेस देन बी एक्स होगा तो ये रेशियो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये दोनों इक्वल होगा, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स होगा, तो दोनों रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हम कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए फिर से मैं रिपीट कर दूं कि सबसे पहले दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, सेकंड स्टेप में हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे पास रेशियो है उस रेशियो का जो डिनोमिनेटर है उस दोनों को सेम करना बाय मल्टीप्लाइंग अ सुटेबल फैक्टर टू द बोथ रेशियो। जब हम डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे तो हम ये देखेंगे कि दोनों का न्यूमिनेटर में कौन सा बड़ा, जो न्यूमिनेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा उसका रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो भी वही बड़ा होगा, या फिर छोटा होगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो वो छोटा होगा, राइट। अब है रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन का कैसे हम रेशियो निकाल सकते, जैसे कि अगर ए और ए ओवर बी एक रेशियो है, राइट, और सी ओवर डी दूसरा रेशियो है, तो अगर इसका हमें रेशियो निकालना है तो हमको इस तरह से लिखना होगा, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स हो गया और ये वाई, तो एक्स की जगह हम क्या डालेंगे ए ओवर बी, और वाई की जगह क्या डालेंगे सी ओवर डी। जब इसे हम डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे तो ए ओवर वी इन मल्टीप्लाई बाय डी ओवर सी, मतलब जो डिवीजन में होगा इधर ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और जो न्यू रेशियो आ जाएगा वो
AD ओवर BC, न्यू रेशियो ये AD ओवर BC, चूंकि जो दो फ्रैक्शन था A ओवर B और C ओवर D, दोनों में ये भी इंटीजर था, तो जो नया ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर था, तो जो नया रेशियो बनेगा AD ओवर BC, ये भी एक इसका इक्विवेलेंट रेशियो होगा और ये भी AD और BC भी इंटीजर होएगा, राइट। नाउ हम लोग मूव करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट है, और सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा कंपाउंडेड कंपाउंडेड ऑफ रेशियो। तो कंपाउंडेड और रेशियो का कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। रेशियो आर कंपाउंडेड बाई मल्टीप्लाइंग टूगेदर द फ्रैक्शन विच डिनोट देम, और मल्टीप्लाइंग टूगेदर बाई एंटीसीडेंट फॉर ए न्यू एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट फॉर द न्यू कॉन्सिक्वेंट। जैसे अगर हम बात करते कि एक रेशियो ले लेते हैं 3A/4B, इसको कंपाउंडेड करना है तो इसको 3A/4B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 9A² / 25B², चूंकि ये दो बार मल्टीप्लाई किए हैं तो इसे हम कहेंगे कि ये डुप्लीकेट है। कंपाउंडेड क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। सब डुप्लीकेट में क्या होगा कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 9A² / 25B², इसका सब डुप्लीकेट निकालना है तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो सब डुप्लीकेट कहलाएगा, 9A/5B, राइट। ये सब डुप्लीकेट हुआ। ट्रिप्लीकेट का बात करेंगे कि रेशियो कंपाउंड करना ट्रिप्लीकेट के फॉर्म में, तो हमें इसे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3A/5B मल्टीप्लाई बाई 3A/5B मल्टीप्लाई बाई 3A/5B, तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होके जो नंबर बनेगा डेट इज 127AQ, क्योंकि ए 3 बार मल्टीप्लाई टू द और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो 125 × BQ, तो ये जो नया रेशियो आया ये रेशियो हमारा ट्रिप्लीकेट हो जाएगा इनिशियल रेशियो का। तो फिर से हम इसे कर दे, व्हेन द रेशियो A:B इज कंपाउंडेड विद इटसेल्फ रिजल्टिंग स्क्वायर इज A² / B², दिस इज कॉल्ड ड्यूप्लीकेट ऑफ रेशियो AB। सिमिलरली AQ/BQ इज द ट्रिप्लीकेट ऑफ द रेशियो ऑफ A/B। स्क्वायर रूट ऑफ ए डॉट स्क्वायर रूट ऑफ बी इज द सब डुप्लीकेट ऑफ AB, राइट। तो इसे हम कहेंगे कंपाउंडेड ऑफ द रेशियो। और इस तरह से कंपाउंडेड और रेशियो, अगर हमारे पास दो तीन अलग अलग रेशियो है, मान लीजिए कि 2 / 5, 5 / 2 / 3, 5 / 4 और 3 / 9, अगर ये तीन रेशियो है और इसे कंपाउंड करना, तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंडेड ऑफ द डैट गिवेन रेशियो, राइट। तो यहां से हमारा कंपाउंडेड ऑफ रेशियो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, इसे बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा, और इसे समझने के लिए ये बेसिक यहां से स्टार्ट होता है इनइक्वालिटी का। क्यों इनइक्वालिटी हमेशा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के फॉर्म में आता है। तो अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी मान लीजिए एक रेशियो A/B है, तो इस रेशियो को ग्रेटर इनइक्वालिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेटर इनइक्वालिटी करेंगे, कहेंगे कब, जब ए इज ग्रेटर देन बी। लेसर इनइक्वालिटी कहेंगे कब, जब ए इज लेस देन बी। और इक्वल इनइक्वालिटी कहेंगे कब, जब ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। मतलब A/B दोनों में हम ये देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो ग्रेटर इनइक्वालिटी हो गया, बी बड़ा है तो स्मॉलर इनइक्वालिटी हो गया, अगर सी बड़ा है तो सॉरी अगर दोनों इक्वल है तो इसे हम कहेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है ये इक्वल इनइक्वालिटी हो गया। तो इसमें हम एक इनइक्वालिटी में एक चीज यहाँ पे हम डेराइव कर सकते हैं, और या फिर एक प्रोपोजिशन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो ये है कि अगर कोई रेशियो है, मान लीजिए कि A/B कोई रेशियो है, ठीक है, A/B कोई रेशियो, इसमें अगर कोई नंबर ऐड करता, तो नंबर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नया रेशियो क्या बन जाएगा, A+X + B+X नया रेशियो बन गया, राइट। तो जो रेशियो होगा वो पहले वाले रेशियो से या तो छोटा होगा, या तो बड़ा होगा, या तो बराबर होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई नंबर, कोई रेशियो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसमें कोई नंबर अगर ऐड करते हैं, नंबर ऐड करते हैं मतलब नंबर को इंक्रीज, एक्स यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि निगेटिव ले रहे हैं, घटा नहीं रहे, नंबर ऐड कर रहे हैं, अगर नंबर ऐड कर रहे हैं तो जो नया रेशियो होगा वो, उसका तीन कंडीशन बनेगा। कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन ये होगा कि या तो वो पहले वाले रेशियो से बड़ा होगा, या पहले वाले रेशियो से छोटा होगा, या फिर पहले वाले रेशियो के बराबर होगा।
तो हम देखें देखते हैं इसका कंडीशन क्या। तो मान लीजिए कि नया रेशियो क्या आया था मेरा, हमारा नया रेशियो इनिशियल रेशियो ए ओवर बी था और नया रेशियो ए प्लस एक्स नंबर ऐड किए और बी प्लस एक्स सेम नंबर ऐड किया, राइट। अब इसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास एलसीएम आ जाएगा बी इंटू बी प्लस एक्स, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ए इंटू बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू ए प्लस एक्स। ये जो ऑपरेशन है ये सिंपल सा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, मतलब इस दोनों का एलसीएम, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, और जब ये मल्टीप्लीकेशन हो गया तो इस मल्टीप्लीकेशन को इससे हम डिवाइड करेंगे, इस वाले पहले वाले से डिवाइड करने के बाद जो बचा क्या बचेगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा तो बी प्लस एक्स बचेगा, जो शेषफल बचा, जो शेषफल बचा उसके इसी के इन्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए इंटू बी प्लस एक्स हो गया। सिमिलरली ऑपरेशन इधर करेंगे तो चूंकि एलसीएम बी इंटू बी प्लस एक्स है तो इसे हम डिवाइड करेंगे बी प्लस एक्स से, बचेगा क्या बी, तो बी को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा ए बी प्लस ए एक्स माइनस ए बी माइनस ए एक्स डिवाइड बाई बी इंटू बी प्लस एक्स। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, राइट। तो बचा क्या, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस ए, यहाँ पे बी एक्स होगा, सॉरी यहाँ पे ए एक्स नहीं बी एक्स होगा, ए माइनस बी राइट ओवर बी इंटू बी प्लस एक्स। चूंकि नीचे वाला पोर्शन जो है हमारा पॉजिटिव है और एक्स भी हमने पॉजिटिव लिया है तो ये डिपेंड करेगा कि ए और ए माइनस बी का क्या रिलेशन होगा दोनों में, विच वन इज़ ग्रेटर, वो डिफाइन करेगा कि ये वाला रेशियो इसमें से ये बड़ा ज़्यादा ग्रेटर है या दिस वन इज़ ग्रेटर। तो कंडीशन यहाँ पे हम ले लेते हैं कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन कंडीशन वन, यहाँ पे अगर लेते हैं कंडीशन वन क्या हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी हो गया तो इसका मतलब है कि ए ओवर बी रेशियो बन गया और ये रेशियो कौन सा हो गया, ग्रेटर रेशियो, क्या हो गया ग्रेटर। तो ए और ए इज ग्रेटर देन बी इस कंडीशन में ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि ए ओवर बी इज माइनस ए प्लस एक्स डिवाइड बाई बी प्लस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। और इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए प्लस ए और बी इज ग्रेटर देन ए प्लस एक्स डिवाइड बाई बी प्लस एक्स, राइट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे एनालाइज करते हैं, एनालाइज क्या करते हैं, चूंकि ए इज ग्रेटर देन बी तो ये ग्रेटर रेशियो हो गया, पहला रेशियो क्या हो गया, ग्रेटर रेशियो हो गया। अगर ग्रेटर रेशियो में कोई भी नंबर ऐड करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों ऐड करते हैं, तो जो नया रेशियो बना वो नया रेशियो पहले वाले रेशियो से छोटा होगा। इस पे डायरेक्ट एप्लीकेशन पे बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि एक रेशियो 5:3 है, राइट, दूसरा रेशियो 8:6 है, विच वन इज ग्रेटर। अब तो यहाँ पे तो सिंपल है कि हाँ विच वन इज ग्रेटर, तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं कौन सा ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें तो ये 5 में कितना ऐड किया गया है प्लस 3 और 3 में कितना ऐड किया गया प्लस 3, मतलब दोनों में सेम नंबर ऐड किया गया है। और चूंकि ये हमारा ग्रेटर रेशियो है और दोनों में सेम रेशियो सेम नंबर ऐड किया गया, तो ग्रेटर रेशियो में हमने देखा कि जो नया रेशियो बनेगा वो हमेशा पहले वाले रेशियो से छोटा होगा। तो 8:6 इज लेसर देन 5:3, मतलब 5:3 इज द ग्रेटर रेशियो एज कंपेयर टू 8:6। अगर हम सेकेंड ऑप्शन लें तो हमने देखा ए ओवर बी माइनस ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए सॉरी बी बी प्लस एक्स, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, लेस इज लेस देन जीरो। कब लेस देन जीरो होगा, जब ए माइनस बी इज लेस देन जीरो, तो वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने किया था इससे पहले जो देखा था इस वाले में ये a माइनस बी ग्रेटर देन था तो ये ज़ीरो, अगर ये लेस देन हो जाएगा ज़ीरो तो ये ज़ीरो हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, तो ये कंडीशन क्या बन गया। तो यहाँ पे फिर से हम देखेंगे a इंटू बी प्लस एक्स, पहले वाला ही ऑपरेशन हम यहाँ पे b इंटू ए प्लस एक्स राइट डिवाइड बाई b इंटू बी प्लस एक्स। अब यहाँ पे अगर ये क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ए बी प्लस ए एक्स माइनस ए बी प्लस माइनस बी एक्स इज डिवाइड बाई बी इंटू बी प्लस एक्स राइट। तो ए बी कैंसिल, यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लें तो ए माइनस बी
ओवर बी इंटू एक्स प्लस बी। अब ये जो पोर्शन आ गया, ये चीज, ये पूरा, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ए माइनस बी पे डिपेंड कर रहा है। अब ए माइनस बी पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर ए लेस देन बी, ये पहले वाला कंडीशन में पहुंच गया, तो ये निगेटिव हो गया। निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, ए ओवर बी इज ग्रेटर देन ए प्लस लेस देन ए प्लस एक्स डिवाइड बाय बी प्लस एक्स। अगर क्लियर नहीं होगा तो आप वीडियो पॉज कीजिएगा और ऐसे फिर से सुनिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे b क्या है, ग्रेटर है, तो ये जो रेशियो हो गया लेसर रेशियो हो गया। a ओवर b क्या, कौन सा रेशियो हो गया, लेसर रेशियो हो गया, राइट। अगर इसमें हम लेसर रेशियो में कोई भी नंबर ऐड करें तो बाय प्रोपोजिशन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो नया रेशियो है वो इनिशियल रेशियो से बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हमें इसे समराइज कर लेंगे कि अगर कोई नंबर, कोई रेशियो लेसर रेशियो और उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो जो नया रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, वो नया रेशियो पहले वाले रेशियो से बड़ा हो जाएगा। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई नंबर a ओवर b है रेशियो, अगर इसमें से घटाएंगे a माइनस x करेंगे, x इज पॉजिटिव, तो क्या कंडीशन बनेगा। तो इस रेशियो को मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ कि आप इसे होमवर्क के रूप में रखें और ये बताएं कि इसका कंडीशन क्या होगा, नया रेशियो कैसा होगा, वो बड़ा होगा पहले वाले रेशियो से या छोटा होगा, राइट। अब हम चलते हैं, इफ़ टू और मोर रेशियो आर इक्वल देन। देखिए यहाँ पे जनरली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि इफ एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, ये इक्वल है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताएं कि अब जो क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन, उसके हिसाब से क्या हुआ। तो इसे हम जनरली ऐसे करते हैं कि अगर एक्स वाई इस तरह है तो इसे हम इक्वल मान लेते हैं के, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वाई के ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी के ले सकते हैं, सी इज इक्वल टू डी के ले सकते हैं, राइट। इस तरह से लेने के बाद जो हमारे पास प्रोपोजिशन आएगा, तो उसको ये एज्यूम करने के बाद हम इसे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल क्या ले रहे, एज फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f है, राइट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है ए क्यू बी प्लस टू सी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस थ्री ए ई स्क्वायर एफ डिवाइड बाई बी फोर प्लस टू डी स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ डी स्क्वायर एफ माइनस थ्री बी एफ क्यू माइनस 3BF के। अगर इस तरह क्वेश्चन है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर जैसे B4 है तो AQ का मतलब AQ है, तो AQ की जगह हम क्या डाल देंगे, BQ इंटू, देखिए ये B4 है तो AQ की जगह हम क्या डाल सकते हैं इस इक्वेशन से, BQ KQ इंटू BQ इंटू B, तो ये B4 हो गया प्लस 2C² E² यहाँ D के टर्म में C का वैल्यू डाल दें और E के टर्म में F का वैल्यू डाल दें। तो ये वैल्यू डालने के बाद ये सारा एक ऐसा स्टेप्स आएगा जिसमें सारा का सारा कॉमन हो जाएगा और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। कैंसिल होने के बाद एक फैक्टर मिल जाएगा जो इसका आंसर होगा। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद ये निकलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरली अगर इस तरह का रेशियो आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इफ एक प्रोपोर्शन है इसमें कि ए ओवर बी इज इक्वल टू C ओवर D इज इक्वल टू E ओवर F होगा इज इक्वल टू सो ऑन, तो ये सम ऑफ न्यूमरेटर A प्लस बी प्लस सी प्लस सॉरी न्यूमरेटर का बात कर रहे हैं A प्लस सी प्लस ई प्लस सो ऑन डिवाइड बाई B प्लस डी प्लस एफ सो ऑन इसके बराबर होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ये प्रोपोर्शन होगा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा लेंदी करने से फिर समझ में नहीं आता, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में या जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो इसके बेस्ड पे
कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। राइट, तो हैव अ गुड डे, जय हिंद।